कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है। हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे, देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा इनको उनके साथ रह करके मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो कानून इस सदन ने पारित किया, जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो नोटिफाई हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही है। सीएए लाने कुछ लोग कह रहे हैं सीएए लाने की इतनी जल्दी क्या थी, कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है, कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रहकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, दशकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है, भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात चलती नहीं है, पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, हमारे लिए हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। खान अब्दुल गफार खां हो, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल गफार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था, मैं इसे अपना गर्व मानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफार खान हो, अशफाकुल्ला खां हो, बेगम हजरत महल हो, वीर शहीद अब्दुल हमीद हो या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले, आप जोर देना ना, जो भी ये नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने
जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया उसे अपनी गलती का एहसास होगा होगा होगा। खैर, मैं कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। और मैं चाहता हूं जब चर्चा निकल पड़ी है तो बात दूर तक चली जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के साथियों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भूपेंद्र कुमार दत्ता का नाम सुना है? दादा, आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी बासर जुड़ रही है। कांग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है और जो यहां नहीं है उनको भी जानना जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिन 78 डे जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी और ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे, वहां की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान का काम चल ही रहा था, शुरुआत के दिन थे, और उस समय भूपेंद्र कुमार दत्त ने उसी संविधान सभा में जो कहा था उसे आज मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हम पे आरोप मढ़ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त ने कहा था, सो फार एज दिस साइड ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न द माइनॉरिटीज आर प्रैक्टिकली लिक्विफाइड लिक्विडेटेड प्रैक्टिकली लिक्विडेटेड दोज ऑफ अस हु आर हियर टू लीव रिप्रेजेंट नियर ए कोर ऑफ पीपल स्टिल लेफ्ट इन ईस्ट बंगाल लीव अंडर ए टोटल सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये भूपेंद्र कुमार दत्त ने बंटवारे के तुरंत बाद वहां की संविधान सभा में ये दर्द व्यक्त किया था। ये हालत थी स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही अल्पसंख्यकों की, वहां के अल्पसंख्यकों की।
इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेंद्र दत्त को भारत आकर के शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी ये मां भारती की गोद में हुआ।